अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हालात जमाने के बदलने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते। हालात जमाने के बदलने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते। मॉब लिंचिंग मुसलमानों की तो हो रही थी, उस पर तो कोई कानून बना नहीं, लेकिन अब दिल्ली का एक लड़का जिसका नाम था साहिल, अपने मां बाप का एक लौता बेटा, अपना घर चलाने वाला, उनके सपनों का शहजादा साहिल दिल्ली में पंडितों की गली में चला गया गलती से, अपने दोस्तों का झगड़ा निपटाने के लिए कि भाई झगड़ा मत करो आपस में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लड़का साहिल, मोहल्ले वालों की जान, अपने मां बाप की आंखों का तारा, अपनी बहन का ऐसा भाई जो पूरा घर संभालता था, उनको इस दरिंदों की भीड़ ने मार मार के मार डाला सिर्फ इसलिए कि उसका नाम साहिल था। सिर्फ भीड़ में एक दोस्त ने उसका नाम ले लिया, साहिल चलो चले जाते हैं, इन लोग मारेंगे। उनको लगा ये साहिल मतलब ये है मुसलमान। आप देखिए नफरत की सीमा कहां तक पहुंच चुकी है कि उसका नाम उन्होंने सुना कि साहिल, वहीं से उन्होंने मारना शुरू किया। उन्हें इतना मारा कि साहिल मर गया। फिर उन्हें पता चला कि लड़का हिंदू है। अरे न वो हिंदू ना था, ना वो मुसलमान था, वो किसी के मां का लाल था, वो इंसान था। ये दरिंदों को, पूरी के पूरी गली को मॉब लिंची के केस में अंदर होना चाहिए। अब इसमें हिंदू मुसलमान मत करना, इसमें इंसानियत का सवाल है कि नफरत इतनी फैल चुकी है, कल को गली के अंदर से निकलना, लोगों का आना जाना भारी हो गया है। नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और मेरी पूरे दुनिया के जितने भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबसे है, इस वीडियो को देखे ना, इसको शेयर मारे, इस वीडियो को शेयर मारते जाओ। अपनी उंगलियां कुछ नहीं कर सकते, उंगली तो चला सकते हो कि उंगलियां भी तुम्हारी वो हो चुकी है, उंगलियों में भी जान नहीं बची क्या? कुछ नहीं कर सकते, शेयर तो मारो ताकि मेरी बात दूर तक पहुंचे। देखिए आप, गणेश जी और मोहर्रम दो त्योहार साथ में चल रहे हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान साथ नहीं चल रहे। मैं यही कहूंगा कि ये मां के लाल को इंसाफ मिलना चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए, इनको सारी सहूलियत मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके कमाने वाला, इनकी मां का लाल साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सारे पंडितों को, पूरी गली को इतना मारो और इनको जेल में डालो। पंडित कौन से पंडित, ये दरिंदे हैं साले। बल्कि सारे हिंदुस्तान के पंडितों को इनको अंदर करवाना चाहिए। पंडितों का भी इन्होंने नाम खराब किया है, पंडितों की जात का नाम खराब किया है, ब्राह्मणों का नाम खराब किया है इन्होंने। अब तो ये हो गया कि पंडित भी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मतलब ब्राह्मण पंडित भी मॉब लिंचिंग में आ गए। क्या बात है यार, कमाल हो गया। बस यही कहूंगा, जब हाल वो देश का हो चुका है कि कब कौन सा साहिल, कौन सा पहलू, कब कहां जाएगा, घर वापस नहीं आएगा, किसी की मां का लाल, किसी का भाई, किसी की बेटा। और हाँ, मुमरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।